परमाणु संख्या का खोज 1911 से शुरू हुआ था। इसीलिए आधुनिक आवर्त नियम जो आवर्त सारणी में दिया गया मोसले का नियम कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, जो 1913 से 14 में आया, क्योंकि 1911 में परमाणु संख्या का खोज हुआ था। ये बहुत कम किताब बताता है, ध्यान दीजिएगा, परमाणु संख्या का खोज 1911 ईस्वी में हुआ। हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, और खास करके ये जो क्लास हम दे रहे हैं ये ट्रिकली दे रहे हैं कि कम समय में 5 से 10 मिनट 15 मिनट में हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें, ऐसा व्यवस्था किया जाए। तो हम ट्रिकली दे रहे हैं, हमको यहाँ डीपली नहीं बताना है, केवल ट्रिक से हमको समझ जाना है, कम समय में ज्यादा चीज मिलना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान देना है। तो हम लोग जान रहे बेटा कक्षा, कक्षा किसको कहते हैं, तो कक्षा का मतलब हो गया के एल एम एन एन ओ डॉट 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 अनंत तक। उप कक्षा एस किसको कहते हैं, एस पी डी एफ एम हो गया। आप इतना बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो दो, और पी के पास छह, छह, डी के पास दस, दस, और एफ के पास 14। यानी एस जो है ना अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रख सकता है, पी अधिकतम छह रख सकता है, डी दस, और एफ 14। अब हम लोग कैसे सजाएं कि इलेक्ट्रॉन जाए, तो कक्षा और उपकक्षा दोनों को मिला के लिखना हो। भाई एक आसान सा टेक्निक आपको दिए थे कि ये बात का ध्यान दीजिए कि एस एस को दो बार लिख दीजिए, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। फिर पी एस और पी एस को दो बार लिख दीजिए, और उसके बाद है डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस डॉट डॉट डॉट। आगे बढ़ते जाए, सर एस एस को दो बार लिखवाए, पीएस डीपीएस को दो बार लिखवाए, डीपीएस डीपीएस को दो बार लिखवाए, एफडीपीएस एफडीपीएस को भी दो ही बार लिखवा रहे हैं, क्या ये दो ही बार तक होगा क्या? नहीं, इसका सीमा नहीं है, ये आप आगे भी ले जा सकते हैं। गिनती शुरू कहाँ से होता है, एक से, एस से गिनती शुरू हो गया एक, यानी वन ये क्या है, ये कक्षा है, इसके वन कक्षा, एल टू कक्षा, ये तीसरा कक्षा, ये चौथा, ये पांचवा, तो वन का मतलब है पहला कक्षा है, ठीक है, वन, ये क्या हो गया टू, जो अभी एस को दी देंगे वन टू, उसके बाद थ्री, खाली एस को फोर, फोर फाइव, उसके बाद फाइव फाइव, उसके बाद सिक्स, केवल एस को गिन लें। अब एस के बाद पी का काउंटिंग करें, तीन से पहले क्या हो, दो, 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 यहाँ से दो, तीन, थ्री, तीन, फोर, चार, फाइव, पांच, सिक्स, छह, सेवन, सात, एट, आठ। ये भाई अब यहाँ के पी के बाद डी, तो चार से पहले तीन, 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 चार, चार, पांच, पांच, सिक्स, छह, सेवन, सात। अब भाई एफ का, तो पांच से पहले फोर, चार, फाइव, पांच, सिक्स, छह, आगे बढ़ सकता है, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा किस में जाएगा, एस में, वन एस में, वन के का एस में, उसके बाद टू एस में, वन एस और टू एस में क्या अंतर है, ये पहले पहला का है, ये दूसरा, समझ में आ गया,
पहले वन है इसमें, उसके बाद जो एस है उसके बाद टू बी है, उसके बाद ए एस है, उसके बाद ए बी में, उसके बाद फोर एस में, फोर फोर एस में, उसके बाद फोर बी में, उसके बाद फोर बी में, उसके बाद फाइव एस, उसके बाद फोर बी में, फाइव बी, उसके बाद फोर एस, फाइव बी। अच्छा इसमें कितना वन एस में कितना जा सकता है? दो अधिक नहीं है, दो एस के पास है। इसमें दो इसमें छः टू पी है, इसमें टू टू इसमें छः इसमें टू दो, क्योंकि हम जानते हैं कि एस में दो से ज्यादा नहीं लगेगा, बी में छः, बी में तो टेन और एफ में फोर्टीन। अब भाई मान लिया जाए हम दे दिए हैं कि आपको लिखना है कैल्शियम बी, कैल्शियम का परमाणु संख्या बी कैसे, वही पहला जो बताया थे, पहला तो आप एक से चौदह तक है, एक से चौदह तक में क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक, ही हीलियम परमाणु संख्या दो, ली लिथियम तीन, बे बेरिलियम चार, दो बोरो पांच, का कार्बन छह, ना नाइट्रोजन चार, ओ ऑक्सीजन आठ, ऑक्सीजन के बाद आ जाता है नियम, ऑक्सीजन ओ फ्लू फ्लोरीन, नियम सो ओ फ्लू नियम, हाँ नियम जसोगे ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम बार एल्युमिनियम केसर सिलिकॉन चौथा चौथी का दूसरा तो है ऑक्सो फ्लू टाइमेने क्रोमेग्नी लोको अनी फो फास्फोरस पंद्रह सो सल्फर सोल है फो सो क्लो क्लोरीन सत्रह अर आर्गन अठारह फो पोटेशियम के कैल्शियम बीस, वो कैल्शियम का कितना निकला बीस। अब हमको इलेक्ट्रॉन को सजाना है, कैल्शियम के पास कैल्शियम आपको बुलाया बोलते हैं लो बहुआ हम बीस को इलेक्ट्रॉन तुमको देते हैं, तुम सजा करके इस अलमारी में रख दो, अब आप लाइएगा आपको सजाना है तो कैसे सजाइएगा, पहले कहिएगा आदमी रख लीजिए तैयार है, अब इस आदमी में हमको सजाना है बीस इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले किस अलमारी के पास जाइए, के पास वन एस बोलेगा कि हम तो दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, हम बीस में दो चला गया अठारह में, अब वन एस के बाद कौन आएगा टू एस, टू एस, अब टू एस तो एस में तो दो जाए इसको दे दी, अब टू एस के बाद कौन आएगा टू पी, और पी में क्या जाएगा सिक्स, उसके बाद कौन थ्री एस टू, इसमें क्या जाएगा दो, थ्री एस के बाद कौन थ्री पी, और थ्री पी के पास सिक्स, और उसके बाद टू फिर इलेक्ट्रॉन सज गया कि नहीं, हाँ लेकिन भाई सजने के क्रम में कोमा होना चाहिए, क्या होगा कोमा, कोमा वाला अच्छा खाता, उसके बाद बचता क्या है टू एस टू, टू पी सिक्स कोमा, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स कोमा, फोर एस टू, फोर एस फोर एस टू। अच्छा ये बताइए ये पहला पास है, ये जो है स्कूल लाइफ कोई पास हो गया प्राइमरी स्कूल, ये प्राथमिक स्कूल पास किया है प्राइमरी स्कूल, ये मिडिल स्कूल है पास किया है लड़का, और ये जो है हाई स्कूल पास किया बच्चा, ये कॉलेज पास किया है, आपको कह दे कि भाई ये फलाना जो बच्चा है ना 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता है, यानी बताना है इसका क्वालिफिकेशन क्या है, सीधा सीधे लिखेगा 4s2, क्यों सर
का बीए पास है, कॉलेज पास है, तो जो कॉलेज पास है वो हाई स्कूल पास नहीं होगा, कि मिडिल नहीं होगा, कि प्राइमरी नहीं होगा, तो होगा कि नहीं? इसको नहीं भी लिखे, हम नहीं भी लिखे, खाली कह देगा बीए पास है, इसका मतलब है इंटर भी पास है, मैट्रिक भी पास है, मिडिल स्कूल भी पास है, आठवां भी पास है, अब पांचवां भी पास है। जब हम डायरेक्ट कॉलेज का क्वालिफिकेशन दे ही रहे हैं तो क्या मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बारे में बताने का आवश्यकता है क्या? तो हम डायरेक्ट इतना लिखेंगे, अगर हमको लिखते लिखते अभ्यास हो जाए, हम पूरा कंप्लीट जान जाए, तो हम सीधे लिखेंगे फोर एस टू एस फोर एस टू लिखेंगे, हमको समझ जाना कि फोर एस टू से पार है, ये जितना है सबका फेल हो रहा है, वन एस टू टू एस टू थ्री सिक्स थ्री एस टू थ्री सिक्स फोर एस टू क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का अच्छा तरीका होगा कि नहीं, आसान होगा कि नहीं? जैसे मान लीजिए ये तो कैल्शियम होगा, हम देखते भैया हटाओ कैल्शियम को हटा रहा हूँ, इसके अंदर इसके टाई मैंने मैंने ये इक्कीस बार तेईस लिखा है, यहाँ क्या होगा? वन एस टू टू एस टू थ्री पी सिक्स थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री पी थ्री तो भाई यहाँ फैमिली फोटो खिंचाओ तो आएगा वन एस टू टू एस टू पी सिक्स थ्री एस टू पी सिक्स थ्री पी सिक्स थ्री पी थ्री फोर एस टू। लेकिन यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा डायरेक्ट बी ए पास फोर एस टू, लेकिन डायरेक्ट बी ए पास फोर एस टू नहीं, क्योंकि फोर एस टू की बात कौन है? थ्री डी सजाने में पहले आया, लेकिन है तो बात में, इसीलिए हम साथ में लिख देंगे थ्री डी थ्री फोर एस टू। डायरेक्ट कॉलेज वगैरह लिखते हैं हाई स्कूल वाला डिग्री, मिडिल स्कूल वाला डिग्री, प्राइमरी वाला स्कूल का डिग्री दिखाने का जरूरत है? कोई बच्चा दिखा दे सर देखिए ना हम बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तो वो मास्टर साहब इंटरव्यू बोले नहीं मानेंगे हम तुम्हारा, तुम पांचवा वाला दिखाओ मार्कशीट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वाला मार्कशीट दिखाओ, छठा सातवा आठवा वाला दिखाओ, तब नवा दसवा वाला दिखाओ, तब इंटर वाला दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम बीटेक किया। पहला मास्टर साहब बगड़ाए के साथ आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये शेयर क्लियर हुआ है। कल हम लोग इसको आवाज के रूप में भी देख लेंगे और ऑक्सीकरण संख्या भी करेंगे, कल अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या का वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे करके देखते रहिए और मेहनत करते जाइए, जितना बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्लियर कर देंगे, आपके एग्जाम से पहले सारा मटेरियल इस पर हम दे देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और इनका यू पी एस सी नेम का प्रैक्टिस भी हम इसी वीडियो पर धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। व्हाट हैपेंस क्या होता है कन्वर्सन परिवर्तन सब इस वीडियो पर अपलोड कर देंगे, आप देख सकते हैं। आज यहीं तक।